हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा हम गुड़ीबंदे फोर्ट आए हैं और कैसे गेट नंबर 3 तक पहुँचे। अब आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब फोर्ट अच्छा से दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से। तो अभी फिर से पत्थर के सीढ़ी आ गए हैं, जो कि केयरफुली चढ़ना पड़ेगा। हम लोग अभी फोर्थ गेट क्रॉस किए। तो हम लोग आराम से बैठ बैठ के हवा खाते खाते ब्रेक लेते लेते ऊपर जा रहे हैं, उठ रहे हैं। और हम लोग अभी फिफ्थ गेट में पहुंचे और ये है फिफ्थ गेट फोर्ट का। ब्यूटीफुल नजारे। अब फाइनली कुछ तो दिख रहा है फोर्ट का, पता नहीं यही टॉप है कि नहीं, वहां पे जाके देखते हैं। तो लग रहा है कि अभी हम लोग फाइनल सेट ऑफ स्टेयर्स चल रहे हैं, जो कि फोर्ट के टॉप तक हमें ले जा रहा है। तो मेरे पीछे फोर्ट का वॉल है,
और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वो वाला टॉप पे जा रहा हूँ अभी। तो रास्ता, हाँ, तो यहाँ से रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का। देख के आते हैं, चलिए वहाँ पे क्या है, व्यू कैसे मिलते हैं वहाँ से। और ये पत्थर काट के रोड बनाया गया है। ओके, ये तो एक व्यू पॉइंट में पहुंच गया हूं। तभी फोर्ट का दूसरा वाला व्यू पॉइंट में जा रहा हूँ। यहाँ शायद लोग कम ही आते हैं क्योंकि काफ़ी पेड़ के टहनियाँ पाथवे में आ गया है। तो ऑलमोस्ट फोर्ट के ऊपर वाला व्यू पॉइंट में पहुंच गए हैं। और यहां से ये है व्यू। इधर से लेक दिखेगा।
और यहाँ से एक छोटा सा गेट है जो कि और एक व्यू पॉइंट में ले जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा बैठ के जाना पड़ता है। वहाँ पे रचना बैठ के वेव कर रही है हमको। और वापस फोर्ट के पास जा रहे हैं। Now back on track. जो मेन स्टेज है वहां वापस आ गए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला फाइनल स्टेप्स है चढ़ने के लिए रेलिंग। मैं थोड़ा शांत एनवायरनमेंट में बैठ के नेचर का मज़ा ले रहा हूँ।
चिड़ियों की चरचराहट सुनाई दे रहा है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है और दूर से हल्का हल्का आवाज़ें आ रही है। आपको भी सुनाई दे रहा होगा चिड़ियों की आवाज़। तो रचना बोल रही है कि ऐसा हम लोग को आना जाना करना चाहिए जिससे कि बॉडी में फिटनेस बढ़ेगा। मैं बोल रही हूँ ऐसे बहुत सारे फोर्ट हम लोग जीत सकते हैं महाराज सुरेंद्र सेन के लिए। बाहर महाराज, घर में क्या नहीं बोलेगी। घर में सुवेंदु ना, ये तो बस बोलने की बात है क्योंकि घर भी तो फिर वापस जाना है राजा जी को। तो जैसे ही अपने पैलेस तो जाएंगे महामंत्री रानी बन जाएगी, फिर राजा कैसे रानी के सामने हिम्मत है रानी के सामने कुछ बोलने का। अभी तो मंत्री है इसलिए बोल रहे हैं राजा जी, क्योंकि उनको किला जो जीतना है आज। कुछ तो बोल रही है मन में दुखार। सुबह 4 बजे से उठ के अगर कोई पहाड़ चढ़ाएगा तो दिमाग का मतलब हो गया मेरा, मैं तो पागल हो चुकी हूँ। देखते हैं दिमाग का क्या, आइसक्रीम ना दही ना खिचड़ी। दिमाग का दही हो गया। तो फ्रेंड्स, हमको लगा था कि वो फाइनल स्टेप है, लेकिन वो फाइनल स्टेप्स नहीं था, ये आगे और भी स्टेप्स है और देखते हैं ये फाइनल स्टेप्स है कि नहीं। अरे बाप रे, ऐसी बात है। मैं तो सोचा तुम दुश्मनों को पूरा साफ कर दी हो ऑलरेडी। दुश्मनों को तो साफ करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा छुप के तो आना चाहिए। महाराज को ऐसे सामने आ रहे हैं, दुश्मन कहीं हमला करके महाराज को मार दिए तो क्या फायदा किला जीतने का। बोली तब तो तुम्हारा ही अच्छा हो गया। ये कुछ वाटर स्टोरेज टाइप का लग रहा है। ये शायद उसी जमाने में वाटर स्टोरेज करके रखते होंगे। अभी पानी सूख गया, रेन वाटर हार्वेस्ट करके रखते होंगे उस जमाने में पूरा फोर्ट के लिए। महाराज, लोगों का मोहब्बत का सीमा तो खत्म ही नहीं होता है, कहीं पे फोर्ट में भी नाम लिखे जा रहे हैं। मंदिर, फोर्ट, दीवार, वॉल, रास्ता, पेड़, कुछ नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे भी नाम लिखे जा रहे हैं। अरे प्यार मोहब्बत का नाम नहीं लिखेंगे तो क्या शेयर मार्केट में कौन सा स्टॉक उठ तो ये थोड़ी ना ये थोड़ी ना खुदाई करने का जगह है। खुदाई करना तो हिस्ट्री खुदाई करो ना। यहाँ पे दीपू वेड्स, जैस्मिन, अरे हेरिटेज प्रॉपर्टी को भी तो अच्छे से रखना है, देंगे तो कैसा होगा। एक्स लव वाई, ओ माय गॉडनेस, इतना प्यार है। किला चढ़ चढ़ के आके लिख रहे हैं भाई पत्थर में।
महाराज हम किला जीत गए लग रहा है आप। हाँ वही सामने ही। लोगों को पता चल गया आप किला जीत गए हैं, इसीलिए हम आराम से घूम रहे हैं। आपके प्रजा लोग भी खुश हैं। आप शाबाशी दीजिए मंत्री को। देखिए राजा देख रहे हैं दूर दूर उनके इलाके कितने दूर तक फैला हुआ है। राजा जी खुशी से डांस कर रहे हैं सम्राट शुभेंदु से। और ये रहा उनकी राज्य। तो यही है फाइनल टॉप मोस्ट पॉइंट। दिस इज द टॉप ऑफ द फोर्ट। ये फोर्ट 1700 सेंचुरी में बायरागुड़ा ने बनाया था। बायरागुड़ा विजयनगर डायनेस्टी के थे और 400 ईयर्स पहले ये यहीं पहाड़ पे अपना फोर्ट बनाए थे। इनको उस ज़माने में रॉबिन हुड बोलते थे। ये लोग ये जो थे लोकल लोगों को बचाते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पे। लोग इनको रॉबिन हुड जैसे मानते थे क्योंकि वो लोग और अमीर लोगों को लूट के गरीबों को हेल्प करते थे। सो उनके काफ़ी किस्से और स्टोरी है हिस्ट्री में जो कि बाद में हम लोग चेक करके आपको बताएंगे। गुदीबंदे फोर्ट का निर्माण लगभग 400 साल पहले 17 सेंचुरी में बायरागौड़ा नामक एक स्थानीय नायक ने किया था। ऐसा माना जाता है कि वह विजयनगर साम्राज्य के तुलुवा राजवंश से थे। ये किले में 7 लेवल्स हैं जिनमें इंटरकनेक्टिंग एस्केप रूट्स हैं जो यहाँ के सैनिकों को इमरजेंसी सिचुएशन में भागने में मदद करते थे। किले का मेन फीचर रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। किले के डिफरेंट लेवल्स पर लगभग 19 पत्थर के तालाब थे।
बायरागौड़ा ने जो वाटर चैनल सिस्टम बनाया था वो यूनिक माना जाता है, लिंकिंग 19 वाटर बॉडीज एंड टैंक्स विच कुड होल्ड नियरली 3 लाख लीटर्स ऑफ रेन वाटर। तो हिल टॉप में जो मंदिर वो है वो यही है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। विजयनगर डायनेस्टी के राजा शिवजी के भक्त हुआ करते थे और यहाँ शिवजी के मंदिर स्थापना किए थे। लगता है ये मंदिर कई सालों से बंद पड़ा है। अब आप जीत चुके हैं फोर्ट। क्या बोलते हैं महाराज? बिल्कुल, अभी कुछ देर यहाँ बैठ के फिर वापस चलते हैं। वापस कहाँ जाएंगे महाराज? ये आपका किला है, यहाँ पे आप सैनिक लोगों को अपना अपना काम दीजिए। पहले तो मंत्री को काम देता हूँ मन भर के। नाउ टाइम टू डिसेंट। अभी हम लोग नीचे के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे उतरने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लाइंबिंग डाउन इज मोर डिफिकल्ट देन क्लाइंबिंग अप। We have to be more careful.
तो हम लोग उतरते उतरते अभी हाफ डिस्टेंस कवर कर गए हैं, थोड़ा सा बैठे रेस्ट लेने के लिए और थोड़ी देर में नीचे पहुंच जाएंगे। वो जो फ्लैग दिख रहा है वहीं पे हम गए थे। तो चलिए नीचे उतर के फिर मिलते हैं। फाइनली नीचे उतर के हम लोग अभी नारियल पानी पियेंगे। मैं तो पानी पी रही हूँ, उसके बाद नारियल पानी पीऊंगी। हाँ। So, Rachna, what is your feedback to our viewers? So, Rachna काफी tired हो गई है, अभी अपना strength को वापस ला रही है। So, we just had coconut water और पेड़ के नीचे अभी बैठे हैं, relax कर रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। सो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए और अभी घर जा रहे हैं। सुबह 8 बजे, शायद 8:30 ना, 8:30 को हम लोग चढ़े और काफ़ी स्टीप था तो धीरे 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 चढ़ाई किए, बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लिए, तो 1 आवर लगा, हार्डली 1 आवर लगा और हम लोग पहुंच गए टॉप पे। वहाँ पे और 1 आवर में हम लोग सारा घूम के देखे फोर्ट और वापस फिर नीचे आए, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, जगह अच्छा था। ओनली छोटे बच्चे और एजेड लोगों के लिए मैं बोलूँगी इट्स नॉट अ परफेक्ट प्लेस। सो व्हाट इज योर ओपिनियन सुवेदुत? एग्जैक्टली एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। हम लोग वही अराउंड 1-1.5 आवर में पहुँच के ऊपर चढ़ाई, चढ़ के फिर व्यू बहुत अच्छा लगा, कुछ देर बैठे और हवा अच्छा दे रहा था, ठंडा ठंडा हवा था, तो ऑल्दो थोड़ा गर्मी था बट उतना लग नहीं रहा था। बट इट्स हाईली रिकमेंडेड प्लेस, आप लोग जा सकते हैं आराम से, सुबह सुबह जाके दोपहर तक लौट सकते हैं। अगर फिजिकली फिट है तो चलिए जाएंगे, नहीं तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि नॉर्मल सीढ़ी नहीं है, वो पत्थर को काट के सीढ़ी बनाए हैं और बीच बीच में थोड़ा सा जंगल टाइप का है, उस रास्ते से देख के फिर ऊपर चढ़ना होता है। 7 गेट है फोर्ट का और 500 स्टेप्स, जो प्रॉपर स्टेप्स है 500, और बाकी का पता नहीं, पत्थर जो बीच बीच में आया है उसका मुझे पता नहीं क्या है, उसको गिन के 500 है कि क्या है, आई हैव नो आइडिया। तो देयर आर अराउंड 7 गेट्स। फर्स्ट गेट जो है वो थोड़ा सा दूर पे है, एक बार हम लोग फर्स्ट गेट पहुंच गए, उसके बाद चढ़ाई ज़्यादा था लेकिन 7 गेट्स कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो इट वाज नाइस, गुड एक्सपीरियंस, अच्छा है, फिर से जाएंगे। बट विंटर हेयर करके अच्छा है, विंटर में फिर मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे तो टाइमिंग इजी होगा, दोपहर के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट है। लोग आ रहे थे लेकिन फिर क्या होता था कि बीच में फिर लौट के जा रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, तो मॉर्निंग में ट्राई कीजिएगा आने के लिए।
तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, सी यू।